अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और मेरे साथ बैठी हैं मदीहा। और आज की वीडियो जो है वो टोटली बेस करती है हमारी पिटबुल के ऊपर। जैसा कि मेरे कुछ कमेंट्स में और कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि पिटबुल के बारे में बताया जाए कि पिटबुल को किस तरीके से रखना होता है, इसकी ब्रीडिंग पर्पस के बारे में, और इनके जो बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को वीनिंग एज से यानी पैदाशुदा उम्र से लेके यानी 30 दिन तक, एक महीने तक की एज तक किस तरह पाला जाता है। तो हमने इसके ऊपर सोचा कि हाँ बिल्कुल पिटबुल की ऐसी एक वीडियो आनी चाहिए जिसमें सारी डिटेल हो और लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन मिले कि जानवर को किस तरीके से पालना है, खासतौर पे पिटबुल जैसे डॉग को, जिसके बारे में ये बोला जाता है कि ये तो पकड़ता है तो 5 सेकंड में हड्डी तोड़ देता है, जंगली जानवर है, मालिक को काट लेता है, बहुत सारे ममालिक में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। बिल्कुल ये ऐसा ही कुत्ता है जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है, और अगर ये हड्डी पकड़ ले तो 5 सेकंड बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप, इसको 2 से 3 सेकंड चाहिए हड्डी तोड़ने में, हड्डी आराम से तोड़ सकता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, वो आगे चल के आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि पिटबुल को रखा किस तरीके से जाता है, खिलाया किस तरीके से जाता है। पिटबुल खाता ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए खाने की, लाइक तकरीबन इतने बड़े कुत्ते को, जैसे ये मेरा नगेट है, ये एक अडल्ट डॉग है, तो इसके जो एज के और इसकी जो हेल्थ के डॉग्स हैं उनको आपने तकरीबन 1 किलो चिकन, मैं ज़्यादातर चिकन को प्रेफर करता हूँ क्योंकि कल्ला या बीफ लेके आते हैं तो वो गर्मियों में ये हज़म नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो ये वैसे ही हाइपर होते हैं, सही है, और ऊपर से अगर हम इनको गर्म खाना खिलाते हैं तो और इनके पेट में ना गर्मी आ जाती है, क्योंकि वो छल कूद बहुत करते रहते हैं ये, तो इनको इनका पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश हम करते हैं कि गर्मियों में हम ठंडा खाना दें। अब लोग क्या करते हैं कि गर्मी आ गई तो चलो कच्ची लस्सी पिलाते हैं, अबे भाई इंसान थोड़ी है कि इसको कच्ची लस्सी पिलाई जाएगी। इसके खाने के अंदर आप लौकी डालें, ऐसी चीज़ें डालें जो कि खाने को ठंडा रखे, डाइट प्लान बनाएं, ना कि ये देसी टोटके जो हमारे पुराने बाप दादा जब पालते आ रहे थे देसी अपने टोटकों से, उससे पाल रहे थे, इस तरीके से ना पालें। उस वक्त का दौर और इस वक्त के दौर में बड़ा फर्क है, उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और ज्यादातर जो था वो फूड जो था वो होममेड होता था। दही जो है वो अभी भी बड़ा जबरदस्त चीज है इनके लिए, लेकिन दही एज अ दवा इनको दिया जाता है, जब ये किसी मोशंस या उल्टियों के बाद जब ये उठे हों, आपको उनकी वाइटालिटी दोबारा से गेन करवानी है तो प्रोबायोटिक्स की इनको जरूरत होती है, तो दही से अच्छा प्रोबायोटिक और कोई नहीं है। दही आप उनको उस वक्त 1 चम्मच पिला सकते हैं। ये जो है हमारे साथ इस वक्त नगेट और एथिल है। नगेट जो है ये ही इज एन एडल्ट डॉग, बड़ा हो चुका है ये, मेरे ख्याल से इसकी 2.25 साल की एज, 2.25 साल के करीब इसकी एज है। एथिल जो है ये अभी इस एज में है जिसमें आप इनको कहते हैं कि ये पपी से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं। इस टाइम पर इनके दांत भी टूट रहे होते हैं, नए दांत आ रहे होते हैं, ये हाइट निकाल रहे होते हैं। हाइट जब ये निकालते हैं तो थोड़ा सा इनका वेट लूज होता है, क्योंकि पिटबुल्स के अंदर ये कि पिटबुल्स को बनाना पड़ता है, जस्ट लाइक अ बॉडी बिल्डर मेक्स हिज बॉडी। तो इनका ये होता है कि अगर आप इनको 6 महीने की एज में हैवी एक्सरसाइज कराना शुरू कर देंगे कि ये किसी तरह फूल जाए, तो ये इवेंचुअली इसके लीवर पे अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि आप इसको इसकी इसको ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं। ये जो एज होती है इनकी ग्रोइंग एज होती है, इसमें इनको आप छोड़ दें, ये अपना वेट भी गिराएंगे, इनको बुखार भी रहता है जब ये अपना दांत तोड़ रहे होते हैं, नए दांत निकाल रहे होते हैं। 6-7 महीने के बाद जो है ये अपना जो वॉल्यूम है ये निकालना शुरू करते हैं, यानी वॉल्यूम में बढ़ते हैं, अपने ऊपर मसल्स डेवलप करते हैं अपने, वो टाइम होता है 7-8 महीने की एज में जब आप इनकी हैवी एक्सरसाइजेस करवाना शुरू करें ताकि इनके जो कट्स और मसल्स हैं उन पे काम हो सके। इसके अलावा इनके लिए मालिश बहुत अच्छी होती है, जब आप इनको एक्सरसाइज करवाएं, वापस लेकर आएं, इनको मालिश जरूर करें। सर्दियों में आप ऑलिव ऑयल से करें या सरसों के तेल से, और गर्मियों में कोकोनट ऑयल से इनकी मालिश रात को करें हैवी एक्सरसाइज के बाद। अच्छा, ये वाली जो एज चल रही है इसकी बच्चे की, तो ये आपको दिख भी रही होगी थोड़ी सी कमजोर और लंबी लंबी सी दिख रही है, अभी असल में ये अपना पूरा एक बोन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है और साथ साथ दांत भी तोड़ रही है। तो इस टाइम पे जो सबसे अच्छी इनकी एक्सरसाइज होती है, एक तो इनको च्यूइंग के लिए आप बोन्स दे सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे कुत्तों का हेड ब्रॉड नहीं हो रहा है, सही है, उसके लिए आप च्यूइंग के लिए इनको बोन्स दें, सही है। बोन कौन सी वाली, जो एक भैंस की
ये टांग थाई की जो हड्डी होती है इसके ऊपर से गोश हटवा के आप कसाई से मंगवाएं, वो इनको दें, सही है, साफ सुथरा करके वो जब ये चबाते हैं तो उससे इनको बड़ी हेल्प मिलती है। एक तो इनका हेड ब्रॉड होता है, दूसरा ये कि इनके जो दांत होते हैं दांतों की सफाई रहती है, जो टाटर्स आते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, तीसरा ये कि जब हम बोन्स देते हैं तो उससे इनको कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तीन चीजें फायदेमंद होती है। तो पिटबुल को एक तो बोन आपने जरूर देनी है खिलाने के लिए ना, ताकि वो चबाए तो उसका हेड ब्रॉड हो, सही है। अभी ये डेली नहीं, मैं इसको हफ्ते में दो बार इसको एक बड़ी बोन ला के देता हूँ, हफ्ते में दो बार इसको मिलती है, ये उसी दिन ख़त्म कर देती है, लेकिन ये है कि देनी लाजमी होती है। उसके अलावा इनकी वॉक लाजमी है। अब जैसे ये वाली एज है, इस एज में हम इसको प्रॉपर एक वॉक देते हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा ये डेली हमारे बाहर जाती है, वॉक करती है। अब जैसे कि आप ये वाला मेरा गार्डन देख रहे हैं, अच्छी बड़ी जगह पे, इधर हम खोल देते हैं इधर, ताकि ये भागती दौड़ती रहे, ताकि इसके जो एनर्जी है वो भी ड्रेन हो जाए, सही है। एनर्जी ड्रेन करना क्यों ज़रूरी होता है उसकी मैं बताता हूँ आपको वजह, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। एनर्जी ड्रेन हो जाए और दूसरा ये है कि ये एक्टिव रहे और इसके मसल्स खुलें, जितना भागेगा कुत्ता उतना इसका मसल खुलेगा, सही है। अच्छा, एनर्जी ड्रेन क्यों करवाते हैं? पिटबुल का जैसे हमने सुना है बहुत ज़्यादा हाइपर कुत्ता है, काट लेता है, नहीं सुनता, पागल होता है, हड्डी तोड़ देता है, सबसे डेंजरस डॉग में पहले नंबर पे पिटबुल आता है। तो जब तक इनके इनकी जो एनर्जी है हम ड्रेन नहीं करेंगे ना, तब तक ये ओबीडियंट नहीं होंगे। इनको ओबीडियंट बनाने के लिए सबसे पहले इनकी तो एनर्जी ड्रेन करी जाती है। एनर्जी ड्रेन का तरीका ये होता है, ये वर्किंग लाइन डॉग्स हैं, इनसे काम करवाया जाता है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहली एक अपनी वीडियो में बताया था कि काम वो ये भी हो सकता है कि यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ जाके वापसी आ जाना, ये भी काम है। कोई भी डेली की रूटीन जो होती है वो इनके लिए काम होता है, वो इनको लाजमी करवाएं ताकि इनकी एक रूटीन बनी रहे, इनका वर्कआउट होता रहे, तो इनकी एनर्जी जो होती है वो ड्रेन हो जाती है, तो ये काम रहते हैं। जब ये काम रहेंगे तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे काटने पीटने वाली। दूसरा ये इनको ट्रेन किया जाता है, कुत्ता कोई भी हो वो खाली कागज़ होता है, आप जो भी लिखेंगे वो लिखा जाएगा, चाहे वो रॉटवाइलर हो, पिटबुल हो, डोबरमैन हो, जितने भी एग्रेसिव ब्रीड होती हैं, मैं उन सबकी ये बात बोलता हूँ कि अगर आप बचपन से उसको पालते हैं और अच्छे से उसको ट्रेन करते हैं, ओबीडियंस ट्रेनिंग देते हैं, उसको बताते हैं कि काटना नहीं होता, किस तरीके से आना है, किस तरीके से मिलना है, सही है, अगर आप इस तरीके से उसको ट्रेन करते हैं तो वो कभी भी नहीं हो सकता। अब ये भी एक पिटबुल है, सही है, आप देख लें किस तरीके से सुकून से बैठे हुए, ना भौंक रहे हैं, ना किसी के ऊपर उछल रहे हैं, ना काट रहे हैं। ये चुलबुली है, लेकिन ये थोड़ी सी चुलबुली है, असल में इसकी एज छोटी है, एज भी छोटी है अभी, तो इस वजह से ना थोड़ी शैतान है, लेकिन ये है कि कहना बहुत मानती है। अभी आप देखें कैसे सुकून से बैठी हुई है, कहना बहुत मानती है, आगे चल के ये कि और इंक्रीज होगा। हम ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग के ऊपर वर्कआउट नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जानवर जो हैं फार्म पे रह रहे हैं, तो मैं खुद यहाँ पे हफ्ते में 2 से 3 बार आता हूँ, तो जब भी आता हूँ इन लोगों के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ट्रेन करते हैं इनको, सही है, ताकि ये ओबीडियंस में रहें, कहना माने, ये ना हो कि बिल्कुल जंगली जानवर हो जाएं, क्योंकि बहुत से फार्म के जानवर ऐसे होते हैं कि वो सुनते बिल्कुल नहीं है। हमारे जानवर माशाल्लाह बहुत सुनते हैं और किसी को अपना आज तक बाइट नहीं दी होगी मेरे जानवरों ने। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी कि मैं किस तरीके से पिट में आया और मैंने पिट का शौक कैसे शुरू किया। इसी में आपको मेरे सारे सवालों के आपके जवाब होंगे, जिसके अंदर आपको ब्रीडिंग का भी पता लगेगा और बच्चों को किस तरह पालना है वो भी पता चलेगा। सबसे पहले मैंने इनके फादर और मदर को परचेज किया था नगेट की, जिसका नाम था राइनो और जिप्सी। मेरा ब्लैक एंड वाइट पेयर था, आपको वीडियो में दिख रहा होगा मेरा पेयर, ये वाला, ये हमारे नगेट के माँ बाप हैं बेसिकली ना। तो ये मैंने शौक में लिया, हमें थोड़ा सा चूना लगा, जैसा कि आपको पता होगा कि कुत्तों की जहाँ पे सेल परचेज का नाम आता है वहाँ पे चूने का नाम बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो पहले कोशिश करता है कि गलत चीज़ पकड़ा के पैसे कमा लें, बाद में हम अच्छी चीज़ देख दें, सही है, इस तरीके से होता है। मेरे पास भी इसी तरीके से कोई एक मिसाब थे, एक जनाब थे जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं कराची से बाहर से मंगवा रहा हूँ और अडल्ट हैं ये, आए मेरे पास 6 महीने के बच्चे और मेरे कोई घर से 1 किलोमीटर दूर से आए थे, जो कि मुझसे कार्गो के और हर चीज़ के पैसे लिए। खैर, वो आए मेरे पास, पले जब उनकी एज हुई ब्रीड की तो मैंने ब्रीड करवाई, तो माशाल्लाह हमारे पास आए ये नगेट साहब। ब्रीड कब करवाई, ये मेरी फीमेल जो थी फर्स्ट टाइम हीट पे आई 12th मंथ पे, लेकिन मैंने उसका लेटर नहीं लिया,
और हम आपको उस लेटर का बच्चों की क्वालिटी भी दिखाते हैं, ये जो क्लिप चल रहा है इसमें ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको नगेट भी दिख रहा होगा, ये जो ब्राउन वाला है ये नगेट है, और ये जो आपके सामने अभी एथिल बैठी हुई है इसकी मदर आपको दिख रही होगी, ये ग्रे एंड व्हाइट वाली, तो ये वहीं से लाइनें चलती आ रही है। तो ये बच्चे हुए, बच्चे किस तरीके से हुए कि 12 महीने पे मेरी फीमेल जो थी पहली बार हीट पे आई, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, पता चला कि पिटबुल हो या कोई भी कुत्ता हो उसको 18 महीने से पहले मेट नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि इनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो हमने उनको नहीं कराया। फिर 18 महीने आए तो हमने मेट करवाया इन दोनों का आपस में ही ना, तो मेट करवाया, माशाल्लाह रिजल्ट ये आया। अब जब रिजल्ट आया हमारे पास हुए तकरीबन 7 बच्चे, 7 में से एक नगेट था, विंटर थी, एथिल की माँ, तो ये सारे आए हमारे पास। इनको बड़ा करने में हमें बड़ी जद्दोजहद हुई। अब जैसे कि पहला दिन था ब्रीड का, यानी जिस दिन बच्चे हो रहे थे मेरे पास, मुझे कुछ नहीं पता था किस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं, सही है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। अब पता लग गया है, तो ये है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जब भी बच्चे हो रहे हों तो देखें, सबसे पहले तो घर के अंदर आपके पास एक पायोडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सिकट्रीन पाउडर, कोई भी ऑइंटमेंट, चाहे वो माइकाट्राइसिन हो, फ्यूजनिल हो, और या वो पॉलीफेक्स हो, इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास होनी चाहिए। फ्यूसिडिन या न्यूमाइसिन जो है वो ज्यादा स्किन्स के लिए यूज होता है, जनरल जो है वो पॉलीफेक्स या माइसोट्रिसिन है। उसके अलावा आपने घर के अंदर रखने कुछ टॉवल, ताकि बच्चे जब भी हो रहे हो उनको साफ करने में आसानी हो, एक कैंची रखनी है, और एक सर्जिकल ब्लेड रखना है। इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी रख लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और डिटॉल होना चाहिए आपके पास। और एक लास्ट चीज, वो आता है, इंजेक्शन आता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन इसलिए काम आता है, जैसे जब फीमेल बच्चे दे रही होती है और एंड में एंड होने वाला होता है, लाइक के आखिरी बच्चा हो गया है या नहीं हुआ है और फीमेल थक गई है, तो हम क्या करते हैं कि उसको ऑक्सीटॉक्सिन का एक इंजेक्शन लगवाया जाता है। वो हमारा वेटनरी आता है घर पे और वो ही आके लगा के जाता है। तो उससे ये होता है कि फीमेल के जो पेट के अंदर जो भी कचरा होता है या जो भी बच्चा अभी रह गया है, तो उसके अंदर दोबारा से लेबर पेन होना शुरू होते हैं, क्योंकि फीमेल इतने सारे बच्चे देने के बाद थक जाती है बेसिकली, तो उसको लेबर पेन की ज़रूरत होती है। तो इस इंजेक्शन से लेबर पेन होता है, लेबर पेन इंक्रीज होता है, तो फीमेल दोबारा पुश करके जो कचरा होगा तो कचरा बाहर निकाल देगी, या अगर बच्चे होंगे तो बच्चा बाहर निकाल देगी। अच्छा, जैसे ही बच्चा आता है, पहला हमें देखा जाता है बच्चा होता है, एक थैली टाइप की, बलून टाइप की चीज़ होती है, तो वो एक थैली के अंदर आ रहा होता है। अब थैली ज़्यादातर ऐसा होता है कि फीमेल खुद से साफ करती है, नाफ काटती है, उसकी नाफ काट के बच्चे को साफ करके अपने पास रख लेती है। अगर ऐसा ना हो रहा हो और फीमेल बच्चे दे के सिर्फ ऐसी छोड़ रही हो, नाफ नहीं काट रही हो, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि वो थैली काटनी है जो आपने कैंची रखी हुई अपने पास, और उसके फौरन बाद ही आपने नाफ काटनी है। नाफ किस तरीके से काटनी है कि पेट से इतनी, यानी समझ लें कि 1 इंच या 2 इंच आगे करके आपने काट देनी है। अच्छा, अगर आपको लगे कि आप ज्यादा काट रहे हैं, या आपको लगे कि, क्योंकि उसमें ब्लड होता है, ब्लड की ओपन सप्लाई होती है, तो आप डेंटल फ्लॉस जो होता है वो, या कोई धागा यूज कर सकते हैं कि पहले उससे नाफ को टाई कर लें, और फिर टाई करने के बाद उससे ऊपर आधे इंच के फासले पर या उससे भी कम पे आप नाफ को कट कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो पूरा, जो जैसे नुमान ने बताया कि थैला होता है जिसमें बच्चे होते हैं, हर बच्चे का अपना अपना थैले होती हैं, और उन थैलियों के अंदर वो पानी का एक उनके आसपास कुशन होता है, जैसे कि दूसरे मैमल्स में होता है, सेम इनके अंदर भी होता है, बस इनके अंदर बच्चों की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब डिलीवर हो रहे हो तो बीच में अटक जाते हैं, थैला भी बर्स्ट हो चुका होता है, उस टाइम पे वो बड़ा क्रूशल टाइम होता है, आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगानी पड़ती है, बच्चों को बाहर आने में हेल्प करनी पड़ती है, उनका नाक मुंह साफ करना पड़ता है, और उनकी जो ये गर्दन के पास की जगह होती है जिसको गुद्दी कहा जाता है, या ये जो नेक का बैक का हिस्सा है उस पर आप पिंच करें ताकि वो रोए। वो रोएंगे तो उनका जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेड बच्चे निकल रहे होते हैं, हमें लगता है वो डेड है क्योंकि वो सांस नहीं ले रहे होते, लेकिन होता ये है कि वो जो उसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो सांस ले रहे होते हैं, वो प्लेसेंटा के थ्रू सांस लेते हैं, तो उनको एक शॉक लगता है जिसकी वजह से वो सांस नहीं लेते पैदा होते ही, तो आपको उनको थोड़ा सा पिंच करना पड़ता है, थोड़ा सा हिलाना पड़ता है, रब करना पड़ता है, उसकी बैक को आप रब करें,
तो बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है, आवाज निकालना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा आवाज निकालने लग जाए तो आपने क्या किया हुआ होगा, एक गर्म पानी में थोड़ा सा अपना डिटॉल डाल के रखें और रुई हो आपके पास, रुई से उस बच्चे को पूरी स्पंजिंग करें, साफ करें, क्योंकि वो ब्लड के अंदर होगा। सही है। साफ करने के बाद जो फीमेल है आपकी, फीमेल के जो थन का एरिया होता है यानी दूध का एरिया होता है, उसको आपने साफ करना है इसी तरीके से, क्योंकि गंदगी हो रही है। बच्चों में गंदगी बिल्कुल अलाउ नहीं होती, क्योंकि ये इतने छोटे बच्चे होते हैं, अगर इनके अंदर बीमारी आ जाए तो एक बच्चा भी नहीं बचता। जैसा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी फीमेल ने बच्चे दिए, थोड़े दिन तक रहे, दो दिन जिंदा रहे या चार दिन जिंदा रहे और फिर वो नुमान भी मर गए, ऐसा क्या मसला है। सही है। तो वो ये मसला होता है क्योंकि हम उनकी केयर सही नहीं कर पा रहे होते, उनको गंदा रखा हुआ होता है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। जब फीमेल के आपने मिल्क को साफ कर लिया, फिर उसके बाद सारे थनों को आपने दबा के चेक करना है कि उसके अंदर जो मिल्क आ रहा है वो किस कलर का आ रहा है। दबाना है, दबा के हल्का सा सूंघ के भी देखना है कि उसके अंदर कोई पस की बदबू तो नहीं आ रही, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनका मिल्क बिल्कुल सही आ रहा होता है, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनका मिल्क सही नहीं आ रहा होता, जैसे कि पीला कलर होता है, चाहिए ऐसा मिल्क आ रहा हो या उससे थोड़ा सा भी हल्का, दूध बिल्कुल सफ़ेद आना चाहिए। अगर सफ़ेद नहीं आ रहा तो आप बच्चे को फौरन हटाएं, और हटा के फीमेल से हटा के आपने टॉप फीड पे लेके आना है। सही है। अगर फीमेल का दूध बिल्कुल सही आ रहा है तो आपने बच्चे को दूध पे लगा देना और दूसरे बच्चे का वेट करना है। जब आपके पास सारे बच्चे हो जाए फिर उसके बाद आप ये करेंगे कि आपने तकरीबन 5 से 10 दिन तक की ये रूटीन रखनी है कि बच्चों को सिर्फ वॉचिंग करनी है, सफाई रखनी है, डेली आप उनको साफ करें। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताई, स्पंजिंग आपने पहली बार करी, उसी तरीके से स्पंजिंग आपने फिर दोबारा करनी है, डेली करनी है। गर्म पानी लिया आपने दोपहर के टाइम पे, जिस टाइम पे धूप हो। सही है। आपने गर्म पानी से उसको साफ किया, बच्चे को साफ करने के बाद एक बास्केट में रख के थोड़ी सी धूप लगवाई, धूप बहुत अच्छी होती है इनके लिए। धूप लगाने के बाद आपने माँ के पास छोड़ दिया। अच्छा, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाफें आपको जैसे भी बताया कि डिटैच होती हैं खुद भी, अगर वो फीमेल नहीं कर रही है, फीमेल नहीं काट रही है, तो आपको खुद करनी पड़ती है, तो वो एक तरह से एक ओपन जख्म होता है। गर्मियों के सीजन में ये बड़ा कॉमन है कि स्क्रूवर्म फ्लाइज जो होती हैं वो अपने अंडे दे के जाती हैं, जिसकी वजह से मैगट्स होते हैं, तो वो जानबूझकर ऐसी जगहें देख रही होती हैं जो कि टेंडर हो, सॉफ्ट हो, उनके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, तो वो नाफ का जो एरिया होता है जहाँ पे अभी ताज़ा जख्म होता है वो एक बड़ा उनके लिए आइडियल जगह होती है अंडे बच्चे देने के लिए। और उसमें अगर वो एक दफा अंडे दे दें, लार्वे निकल आए, तो वो बहुत तेजी से, वो बच्चे छोटा बच्चा होता है, मतलब इतना मेरे पाम जितने बच्चे होते हैं, उनके अंदर वो पेट के अंदर चले जाते हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, मतलब वो इरिवोकेबल डैमेज होता है, आप उसको बचा नहीं सकते, आप कोई वैक्सीन नहीं कर सकते, आप आइवरमेक्टिन तक नहीं लगा सकते, कि वो कोई दवाई नहीं दे सकते इस एज में इतने छोटे बच्चों को। और इवन के वो इतने छोटे होते हैं कि उसमें आपका जो क्लिनिकल फोर्सेप्स होते हैं वो भी अंदर नहीं जाएंगे, तो उस चीज को अवॉइड करना होता है। डॉग्स के काम में, डॉग जब आप पाल रहे हैं या कोई भी लाइफ का काम है, उसमें कल नहीं है, उसमें आज और अभी है। अभी आपको अभी आपने एक चीज देखी, उसको अभी के अभी आपको कंट्रोल करना है, इसको केटर करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। जहां आप जरा भी बिहेवियर में फर्क पता करें, आपको एक पूप या एक पी में कोई मसला दिखता है, कोई कलर में फर्क दिखता है, आप अगली का इंतजार ना करें, आपको फिक्र उसी से हो जानी चाहिए। Then you will be called a responsible owner. और responsibility यही है। अच्छा, जैसा कि मदिया बता रही है कि नाफ में हो जाता है, नाफ में ज्यादातर पता है क्यों इस तरीके से मक्खी बैठ जाती है, और मक्खी को जो है ना वो एक माइनर सा सुराख चाहिए होता है, एक पिन के बराबर, लाइक एक सुई भी चुभी होगी ना और वो भी सुराख, और उधर मक्खी बैठ गई है तो वो अंडे दे देती है। सही है। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से जख्म है या ऐसी ओपन कोई जगह है तो उसके ऊपर हम कोई ना कोई ऑइंटमेंट लगा के रखते हैं, ताकि ये कि उस पर मक्खी ना बैठ सके, या तो कोशिश करें मक्खियां उस जगह पे ना जाएं जहाँ पे बच्चे हुए हों थोड़े टाइम, ताकि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, ऐसे हो जाएं कि आप उनको सरवाइव करवा सकें अगर कोई ऐसी चीज़ होती है। सही है। जब बच्चे हो जाते हैं 10 दिन के 15 दिन के हो जाते हैं, उनकी आँखें भी खुलना शुरू हो जाती हैं और थोड़ा चलना भी शुरू, क्रॉलिंग करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर उनको हम एक बात भी देते हैं। सही है। बात देने के बाद तो उस टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम वो इतना यानी पानी और ये चीज़ें बर्दाश्त, क्योंकि पिटबुल है, पिटबुल को ठंड भी लगती है। सही है। अगर यही चीज़ हस्की में होती तो हस्की में मैं आपको स्पंजिंग नहीं बोलता, मैं डायरेक्ट बोलता कि नहलाएं आप उसको, क्योंकि हस्की को इतनी सर्दी नहीं लगती, पिट को थोड़ा सा सर्दी से अफेक्ट होता है, चाहे वो गर्मी हो। अभी जो मौसम चल रहा है गर्मियों का चल रहा है। सही है। गर्मियों में भी अगर ब्रीड होती है
तो उसमें भी हम थोड़ा सा नहलाना अवॉइड करते हैं बनिस्बत स्पंजिंग के, हम ज्यादातर स्पंजिंग दे रहे होते हैं। फिर बच्चे हो जाते हैं 25 दिन के जब होते हैं, तो 25 दिन पे हम लोग पहली बार इनको खाना खिलाते हैं। खाने में हम देते हैं इन बच्चों को चिकन मैश करके दे रहे होते हैं, या चिकन का कीमा बनवा के लेके आते हैं और उसके साथ राइस डाल के बॉइल करते हैं, और थोड़ा सा यखनी ज़्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, और वो इसको देते हैं। या तो एक फूड आता है, एक बड़ा नामवर फूड है जो कि वीनिंग एज में दिया जाता है, आप वो फूड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप चिकन दें तो ज़्यादा बेटर है। फूड या केमिकल से बनी हुई कोई भी चीज़ ना दिया करें जानवर को, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर देना भी पड़े तो गार्निशिंग के तौर पर थोड़ा सा डाला जाए डॉग फूड, उससे ज़्यादा ना डाला जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक खिलाएंगे तो कुत्ता अच्छी हेल्थ पकड़ेगा, सेहतमंद रहेगा, बीमारियां कम से कम होंगी। अगर हम ये जो डॉग फूड बने बनाए चीज़ें मिल रही होती हैं ये चीज़ें खिलाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आती है आगे चल के, किडनी इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ग्लूकोमा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक दें। बैलेंस डाइट वही जरूरी है, सेवई रेशियो है, 70% जो है वो आपका प्रोटीन बेस्ड हो, एनिमल प्रोटीन जो आप फ्रेश दे रहे हो मुर्गी के फॉर्म में, चिकन के फॉर्म में या बीफ के फॉर्म में, साफ सुथरा ह्यूमन ग्रेड गोश्त हो, भले उसमें गर्दनें और विंग्स हो जो कि थोड़ा सा सस्ते मिलते हैं, लेकिन गर्दनें भी इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, दांतों को साफ रखती हैं, बोन्स भी उसमें होती हैं जिससे इनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। लेकिन बोन्स ये गर्दनों का जो गोश्त है ये आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, ये आप 4 महीने के बाद स्टार्ट करें। 4 महीने से पहले आप विंग्स लें, विंग्स को बॉयल करें, बॉयल करने के बाद उसको श्रेड करें और जो हड्डियां हैं वो अलग कर लें, जो कार्टिलेजेस हैं यानी जो कुरकुरी हड्डियां होती हैं कार्टिलेजेस, और जो गोश्त है वो आप यखनी के साथ रोटी या चावल या सब्जी के साथ आप बॉयल करके वो बच्चों को पपीज को दे सकते हैं। बहुत होलसम ये फूड है तमाम जो एज के कुत्तों के लिए। उसके साथ आप डॉग फूड कोई भी दे सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का दें, कम दें लेकिन अच्छी क्वालिटी का दें, सस्ते में ना जाएं, क्योंकि सस्ते का आपको पता नहीं होता कि क्या चीज उसमें डाल रहे हैं क्या नहीं हो रहा। नो 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 अबाउट योर डॉग फूड। जर्मनी के कुछ ब्रांड्स आते हैं इम्पोर्टेड जो है वो आप ले लें, जो भी ट्रस्टेबल ब्रांड्स हैं। एक्सपायरी हमेशा चेक करें, एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चेक करना। अच्छा, जब बच्चे हो जाते हैं 30 दिन के यानी 1 महीने के हो गए, तो इनको सबसे पहला काम है हमें डिवम करना है। डिवम के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम इनको एक एक शॉट लगाते हैं जो कि आइवोमेक्टिन के नाम से होता है, वो शॉट लगता है। वो शॉट लगाने के 3 दिन बाद फिर मैं इनको देता हूँ वर्मॉक्स के नाम से एक सीरप मिलता है, वो 3 दिन तक पिलाया जाता है। डोजेज डिपेंड करती है बच्चे के वेट के ऊपर, वो पिलाया जाता है। उससे क्या होता है, उससे इनको मोशन लग जाते हैं, तो वो घबराने की बात नहीं है, मोशन लगाने के लिए ही हम वर्मॉक्स पिलाया जाता है। डिवम का मकसद ये होता है कि पेट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो मोशन के थ्रू इस तरीके से बाहर आ जाए, वो सारी इन्फेक्टेड चीज़ बाहर। लेकिन ये दवा जो है ये पॉइजन है, जब भी आपको एडमिनिस्टर करना हो हमारे नंबर्स हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें या किसी वेट के पास जाएं, उनसे मशवरा जरूर लें, क्योंकि डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ दवाओं के नाम पता होने से आपको डोजेज नहीं पता लगती, और गलत डोजेज जो है वो आपके डॉग को, आपके किसी भी पेट को बहुत सीरियस नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऑलवेज जो है कोई भी दवाई, ट्राई कि डोजेज पता करें, कोई भी दवाई यूज करें, कोई भी चीज यूज करें, पहले उसके एक्सपर्ट से कंफर्म करें। अगर आपने आपको मेरी एडवाइस या मदिया की एडवाइस चाहिए तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ होता है, वो 24/7 ऑन है, आप कभी भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, डिवर्मिंग का पहले थोड़ा सा मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि डिवर्मिंग पे क्यों इतना स्ट्रेस किया जाता है। इंसानों के बच्चे होते हैं ना, उनके भी पेट में कीड़े हो जाते हैं, हालांकि वो साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि वर्म्स जो होते हैं वो कहीं से भी कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, और उनके एक दफा एग्स आपके पेट में पहुंच जाए, आंतों में प्लांट हो जाए, तो वो वहां पर अपनी जो है ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। बच्चे हैं वो क्रॉल करते हैं, वो मट्टी खा रहे होते हैं, इधर उधर से चीजें उठा के मुंह में डाल रहे होते हैं, इस तरह से उनके पेट में वर्म्स हो जाते हैं। अब ये बच्चों का केस है, और डॉग्स के केस में ये चीज कहीं ज्यादा, आप इसको 100 times ऑगमेंट कर दें। बच्चे जो छोटे बच्चे पपीज होते हैं उनका ख्याल नहीं रखेंगे, वो मट्टी पे रखा हुआ है, खोद रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, अभी भी देखें ये खा रही है घास को, इन सबके ऊपर वो होते हैं इनके वर्म्स के एग्स होते हैं, तो वो इनके पेट में पहुंच जाते हैं। अब इनका जो टाइम पीरियड होता है जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो 2-3 महीने का टाइम होता है, तो आप सेफली हर 3 महीने बाद इनको डिवर्म करें वर्मॉक्स से, और शॉर्ट लगवा लें आइवरमेक्टिन का। जो आइवरमेक्टिन का शॉर्ट होता है वो स्किन में लगता है, वो स्किन के जो इनके सारे पैरासाइट्स होते हैं उनको कवर करता है, इवन टिक्स को भी प्रिवेंशन में हेल्पफुल है आइवरमेक्टिन। और जो वर्मॉक्स होता है या मैक्टिवाइट होता है, इंटरनल भी हम देते हैं,
आइवरमेक्टिन इंटरनल देते हैं या वर्मॉक्स देते हैं उसकी जगह, ताकि वो पेट के और जो आंतों के अंदर जो कीड़े हैं, जो उनके वर्म्स हैं, हार्ट वर्म्स हैं, ये सब वो कंट्रोल कर सके। इसके ये वैक्सीनेशन के अलावा है, वैक्सीन जो है ये इसके अलावा है। अच्छा, वैक्सीन फिर हम ड्यू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चे हो जाते हैं 2 महीने के। जब बच्चे 2 महीने के हो जाते हैं तो हम पहली वैक्सीन इनको पपी की लगवाते हैं, DHPPI। सही है, इस वैक्सीन के अंदर तकरीबन 7 बीमारियां कवर अप हो रही होती हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो आप लोग जानते भी होंगे, जैसे कि पार्वो हो गई और डिस्टेम्पर हो गई, पार्वो, पैरा इन्फ्लुएंजा, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, लाइम्स डिजीज, हे फीवर और ये रेबीज। रेबीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पेट के लिए खतरनाक नहीं है, आपके लिए भी खतरनाक है। आपके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि अगर कोई रेबी कुत्ता आपको काट ले तो आपको भी हो सकता है। सही है, तो ये करवानी जरूरी होती है। पहला शॉट हम लगाते हैं 2 महीने बाद, और 2 महीने के फिर ठीक 15 दिन बाद दूसरा शॉट लगाया जाता है। 2 शॉट लगाने के बाद फिर हम छोड़ देते हैं, फिर अडल्ट एज में ही जाके लगेगी इनकी वैक्सीन। सही है, आपका कुत्ता हो गया वैक्सीनेटेड, अब आपने इसकी रखनी है डाइट। सही है, डाइट किस तरीके से, आपने 2 टाइम इस बच्चे को खाना देना है, एक सुबह में और एक रात में। सुबह में आप खाली डॉग फूड भी दे सकते हैं, या चिकन चावल दे दें और उसके ऊपर थोड़ा सा डॉग फूड डाल दें, और रात में आपने क्या करना है कि चिकन चावल और कोई भी एक सब्जी, कोई भी से मुराद ये कि आप लौकी दे सकते हैं, टिंडे दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं। तो ये चीज़ों में से कोई एक चीज़ ली आपने, थोड़ी सी ली, उसको मिलाया और मिला के एक साथ बॉयल किया, बॉयल करके इनको खाने में जब देने लगे तो ऊपर से आपने बिस्किट डाल दिया। बिस्किट आपके ऊपर है कि आप कौन सा बिस्किट अफोर्ड कर सकते हैं, या किसी को जानना है कि कौन सा बिस्किट डाला जाए तो मेरे को कॉल कर ले, मैं उस पर आपको बता दूंगा कि आपकी कौन सी ब्रीड है तो आप ये वाला बिस्किट दें। क्योंकि हमने काफ़ी सारे डॉग फूड टेस्ट किए हैं, हम भी देते हैं डॉग फूड, ऐसा नहीं है कि हम डॉग फूड बिल्कुल नहीं देते, हम भी डॉग फूड देते हैं, लेकिन एक कम क्वांटिटी में देते हैं, जितने की ज़रूरत है बस उतना दिया जाए। किसी भी चीज़ की ज्यादती जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। सही है, कुत्ता भूखा पेट जिंदा ज़्यादा रह लेगा, उस बानिस्बत ज़्यादा खा के जल्दी मर जाएगा। तो कोशिश करें कि ऐसा खिलाएं जो कि इनके लिए अच्छा हो, ओवरफीडिंग ना करें। अब जैसे पिटबुल, रॉटवाइलर्स और जो लार्ज ब्रीड हैं, इवन जर्मन शेफर्ड, ये लोग हाइपर रहते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के गर्मी कितनी हो रही है या ठंडक कितनी है, ये हर वक्त हाइपर रहते हैं। तो ऐसे इन मौसमों में हम लोग ये कोशिश करते हैं, बल्कि यही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप दोपहर में इनको कुछ मत दें, दोपहर को, सुबह में इनका पेट खाली रखें, रात को मगरिब के बाद इनको खाना लगाएं, और खाने के बाद हल्की सी चहलकदमी करवाएं। जो भी आपको हार्ड एक्सरसाइज करवानी है वो आप मगरिब से पहले करवाएं या सनसेट से पहले करवा लें वो एक्सरसाइज। उसके बाद सनसेट के बाद इनको कूल डाउन करें, कूल डाउन करने के बाद इनको खाना दें। जब ये कूल डाउन होते हुए खाना खाएंगे, इनके पेट कभी खराब नहीं होंगे, हाइपर होंगे। गर्मी में आप इनको डबल दफा खाना दे रहे होंगे, सुबह भी दे रहे हैं, दोपहर में भी दे रहे हैं, रात में भी दे रहे हैं, तो इनके पेट अपसेट होंगे। एक दफा खाना दें, अच्छा होलसम क्वांटिटी दें। और गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ, सर्दियों में आप ये कि 2 पोर्शन कर सकते हैं फॉर अडल्ट डॉग्स, और 3 पोर्शन जो है वो पपीज के लिए, यानी 2 से 6 महीने तक की जो एज है उसको आप 3 पोर्शन दे सकते हैं। स्नैक्स के तौर पर इनको कोई फ्रूट्स पसंद हो वो आप दे सकते हैं, ऑरेंजेस ये जैसे शौक से खाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं देने आपको, जैसे केला आप खिला सकते हैं इनको, केला दे सकते हैं, सेब आप खिला सकते हैं, लेकिन सेब के बीज निकालने पड़ते हैं। सीड्स किसी भी उसके नहीं देने, और कुछ फूड्स हैं जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं, ये आपको इनसे दूर रखने, जैसे अंगूर हो गए, अंगूर और इनके जो बीज हैं वो दोनों टॉक्सिक होते हैं इनके लिए बहुत ज्यादा, एक अंगूर का दाना भी इनके सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। सेब का जो बीज होता है वो इनके लिए बहुत डेंजरस है, एवोकैडोज जो होते हैं वो इनके लिए पॉइजनस है, टॉक्सिक हैं, देयर बॉडीज कैन नॉट हैंडल इट। दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स इनके लिए टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक इन द सेंस कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है अगर डॉग तो वो उसके तो जान के ऊपर खतरा आ जाएगा अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है। और वैसे ज्यादातर कैनाइन जो है वो जो ये गाय का दूध है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी कैनाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो गाय का दूध है, वो कुत्तों का दूध नहीं है। तो ये कुछ चीजें, चॉकलेट, कॉफी, इन सब चीजों से आपको दूर रखना है इनको। कभी भी आप कुत्तों को अपनी टेबल से स्क्रैप मत दें, चाहे आपका जितना भी आप टेम्प्टेड हो, ये अपनी आंखें बनाएंगे, आपको एक्सप्रेशंस देंगे कि हमें भी खाना है, खामोशी से आपके नीचे आके बैठ जाएंगे, दे विल लुक एट यू इन अ वे कि यू विल मेल्ट अवे, लेकिन आपको नहीं पिघलना, आपको वहां पे सख्त लौंडा बन जाना है, बिल्कुल कुछ नहीं देना है इसको, ठीक है। आप बर्गर ब्रोस्ट खा रहे होंगे वो आपके लिए अच्छा है, आप खा रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं है वैसे तो, लेकिन आप खा रहे हो, लेकिन उसको नहीं दो, उसको आप हमेशा उसके बोल में जो उसका बॉडी खाना है वही दें। आपको उसको ट्रीट देनी है, आप उसको कभी एक रॉ बोटी दे दो अच्छी सी,
लैम की या बीफ की छोटी छोटी बोटियां बनाएं, या आप लीवर लेकर आए चिकन का, उसको डिहाइड्रेट करें, बेक करें छोटे छोटे पीसेस करके, या धूप में सुखा लें, वो इसके लिए बेस्ट ट्रीट्स हैं। इस तरह की ट्रीट्स पे आप इनको फोकस करें। अच्छा चलें, अब आपको हम दिखाते हैं दो और पिटबुल जो के मेरे दोस्त के घर पे ही रखे हुए, हमारे साथ पेट्स क्लैन का एक बहुत मेन हिस्सा है कादिर साहब। कादिर साहब से हम आपको मिलवाते हैं, उन्होंने दो पिटबुल रखे हुए, उनकी भी लाइनेज की एक फीमेल हमारे पास है। तो पहले मैं उनके पिटबुल्स दिखाता हूँ, कादिर से मिलवाता हूँ आपको, देन फिर उसके बाद में वो दूसरी फीमेल आपको दिखाता हूँ। चलें चलते हैं वहाँ पे। जी तो ये है पांडा और पाब्लू, ये पांडा है और ये पाब्लू है, और कादिर के पास होते हैं ये। कादिर पेट्स क्लैन का हिस्सा है, शुरू से हमारे साथ होते हैं और हमारे नेटवर्क में इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये जो डॉग्स हैं, इनको उन्होंने बहुत प्यार से पाला है, बचपन से ही उनके ही पास है, और ये थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताएंगे इनकी। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बताऊँ कि एक लीटर में से है, अनयूजुअल आपको लगेगा कि ये कितने डिफरेंट हैं, लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन इन पिटबुल्स कि एक ही लीटर में से डिफरेंट बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं। उनके बोन स्ट्रक्चर भी अलग हो सकते हैं, उनके कलर्स भी अलग हो सकते हैं, उनकी आदतें भी अलग अलग हो सकती हैं। बेसिकली ये मेरे पास लिटर हुआ था, इनकी जो माँ थी वो मेरे पास थी, और उनका जो लिटर हुआ था वो 14 बच्चों का लिटर था, और ये जो पाब्लो है ये सेकंड नंबर पे था, और ये पांडा जो है ये लिटर में लास्ट नंबर पे था, बिल्कुल लास्ट नंबर पे था। इवन के जो अमूमन जो लास्ट हमेशा लिटर के बच्चे होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, लेकिन पांडा ने अपना साइज उस टाइम भी बड़ा पिक किया और काफ़ी बड़े साइज का था जब ये पैदा हुआ। तो इनको ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरा लिटर सर्वाइव किया था, और मदिया और नुमान की हेल्प से लिटर में सेल हुआ था। ये दो बच्चे मैंने उसमें से अपने पास रखे थे, और ये अब तकरीबन 2.5 ईयर्स के हैं मेरे पास। तो बनाएंगे अभी हम कादिर भाई से पूछते हैं कि इन दोनों की परवरिश में इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। मसाइल इसलिए बोलूंगी क्योंकि मसाइल ये जो ब्रीड है इसके साथ, जैसे ही आप पिटबुल का नाम लेते हैं उसके साथ बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मफलूजे हैं कि नहीं ये करो वो करो। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह किया, किस तरह से इनको बड़ा किया, और माशाल्लाह ये इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। अच्छा, जब ये इनको बड़े करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस आई थी, ये उनको थोड़ा सा एक तो पिटबुल की ट्रेनेबिलिटी इशू होती है, उनको ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट और सेकंड के जैसे गर्मियों का सीजन जैसे ही बढ़ता है तो इन पे मक्खियाँ और मैकेट्स वगैरह जो हो जाते हैं मक्खी वो हो जाते हैं, क्योंकि इनके बाल ज़्यादा नहीं है और टिक्स वगैरह। बाकी ऐसा इतने इशूज पिटबुल में पालने में नहीं आते, क्योंकि ये फ्रेंडली डॉग है, बिल्कुल आपको कंपेनियन की तरह आपके साथ रहता है, राइट। तो बस ये चीज़ें, तो कुछ इश्यूज हेल्थ इश्यूज इनके तो ऐसा अभी तक नहीं है, बट ये कि डाइट टाइम टू टाइम जैसे चेंज करनी पड़ती है इनकी, एक रेगुलर डाइट नहीं रहती, सीजन वाइज इनकी डाइट चेंज करनी पड़ती है, और इनके स्किन जैसे आप देख सकते हैं पांडा भी स्किन इश्यूज है, स्किन इश्यूज पिटबुल के मुझे दोनों में काफ़ी फेस हुए। अच्छा, स्किन इश्यूज पिटबुल ओनर्स का एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि हमारे जो डॉग है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं या स्किन इश्यूज रहते हैं। देखिए, इनमें इनमें दो तीन चीज़ें होती हैं। पहले तो ये बात कि पिटबुल जो है वो कोई एक प्योर ब्रीड नहीं है, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि जर्मन शेफर्ड है वो एक ब्रीड है, या हस्की है वो एक एंशियंट ब्रीड है, इसके बारे में आप ये नहीं बोल सकते। ये ब्रीड हमेशा इम्प्रोवाइजेशन का शिकार रही है, और इसमें टाइम टू टाइम डिफरेंट डॉग्स डिफरेंट लैंग्वेजेस एड अप होती रही हैं। तो जब इतनी ज़्यादा किसी भी जी ब्रीड के साथ म्यूटेशन होती हैं और इनको आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं, और उनमें से एक ही जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि स्किन का इशू होता है। जैसे कि एक लीटर है उसमें से कोई तीन चार बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे, उनमें से कोई दो बच्चे जो है वो हाइपो एलर्जिक होंगे। जैसे ही आप उनको नहलाते हैं तो उनके बॉडी पर स्पॉट्स आ जाते हैं या स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इसका सब और एक और फैक्टर होता है इन सबका कि डाइट का, इनके अंदर असल में ये हाइपर डॉग्स इतने होते हैं कि इनके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है इनके मैदे में, जो कि इनकी स्किन पर फिर इवेंचुअली रिफ्लेक्ट कर रही होती है एक्नी ब्रेकआउट के फॉर्म में या बॉयल्स के फॉर्म में। लेकिन अगर आप इनको इनका पेट ठंडा रखेंगे, इनको ठंडी ग़िज़ाएँ देंगे गर्म मौसम में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नॉर्मली। कोट्स जो है इनके शॉर्ट कोट होता है पिटबुल्स का, तो कराची
रांची के हिसाब से या गर्म इलाकों के हिसाब से ये बहुत सुटेबल है इनको रखना, क्योंकि इनके शॉर्ट कोट की वजह से। लेकिन इनकी जो हाइपर एक्टिविटी है, इसको खत्म करने के दो तरीके हैं, या तो आप इनको ट्रेन करें, या आप इनका इनकी जो एक्सरसाइज है, जो इनकी एनर्जी है, वो एक्सरसाइज के थ्रू ड्रेन आउट करें। क्योंकि अगर आप इनकी एनर्जी ड्रेन आउट नहीं करेंगे तो फिर ये हाइपर ही रहेंगे। और इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप रात को खाने के बाद इनको एक अच्छी वॉक दें, थोड़ी सी रनिंग करवाएं, या खाने से पहले रनिंग करवाएं और खाने के बाद वॉक दें। तो ये दो टाइम्स होते हैं, खाने के बाद भी आप दे सकते हैं, खाने से पहले भी दे सकते हैं। लेकिन खाने के बाद जो है इनको ज़्यादा ओवर एक्सर्ट ना करवाएं, इसलिए क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है हीटअप हो जाती है बॉडीज। इट्स बेटर कि आप हार्ड एक्सरसाइज अगर करवा रहे तो वो खाने से पहले करवाएं, और खाने के बाद इनको आप दो किलोमीटर एटलीस्ट उसकी एक वॉक दें, चहल कदमी की तरह की, तो ये सही रहेंगे। इसके अलावा इनकी स्किन पर ड्राइनेस के इशू और फ्लेकीनेस के इशूज काफ़ी होते हैं, उसके लिए आप इनके ऊपर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं एक दफ़ा नहलाने के बाद। अच्छा कादिर, ये बताएं कि आप डाइट में क्या देते हैं इनको? मैं इनको चिकन दे रहा हूँ, बीन्स भी देता हूँ, चिकन की गर्दनें भी हैं उनके साथ, मैं इनको लौकी दे रहा हूँ, और मेरे पास एक दो डॉग फूड्स मैंने रखे हैं, एज अ फ्लेवर मैं डॉग फूड भी ऐड कर रहा होता हूँ। और सम टाइम कुछ टाइम के बाद चीज़ें चेंज कर रहा होता हूँ, जैसे लौकी कुछ अर्सा है, सर्दियों में मैं आलू बढ़ा देता हूँ, या गर्मी में आलू डाल देता हूँ, या कोई और सब्जी जैसे गाजर वगैरह इनको दे रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यूसली जो चीज़ है वो चिकन इनकी डाइट में लाजमी रहती है। मैंने इनको बॉयल करके चिकन देता हूँ, मैंने इनको डॉग फूड में बचपन में जब ये पपीज थे, क्योंकि मेरे पास लीटर काफ़ी बड़ा था तो फीमेल फीड नहीं करवा पा रही थी, तो उससे मैंने इनको डॉग फूड जो बेसिक होता है जूनियर और साधन मैंने तब इनको दिए थे, उसके बाद मैंने इनको रॉ फूड भी लिया। ओके, रॉ खाते हैं? हाँ रॉ खाते हैं, लेकिन मैं इनको बॉयल करके मोस्टली बॉयल करके देता हूँ, ताकि कोई ज्यादा बॉइल करते हैं या मतलब थोड़ा सा ऐसी के पैथोजेंस वगैरह मर जाए। 5 मिनट पानी में बॉइल किया और उसके बाद ओके। अच्छा, हमने अपनी पिछली वीडियोस में थोड़ी सी बात की थी अलास्कन मलामूट और हस्की के डाइट की, तो उनमें मैंने आपको ये बताया था कि क्वालिटी मैटर करती है, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, और क्वांटिटी जो है वो उसकी कम हो भले, लेकिन क्वालिटी हाई होनी चाहिए। अच्छा, इनके अंदर क्योंकि इनकी बॉडीज हैवी बॉडीज होती हैं, वेट ज़्यादा होता है इनका, इनकी डाइट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको वी गिव अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस या सपोर्टिव फूड एज वेल। इनके इनको फाइबरस फूड देना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करवाते हैं, जैसे कारीना आपको बताया, रोटी चावल ये सब कुछ इनके खाने में ऐड करना पड़ता है, इससे इनकी खाने की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, और खाना जो है इनके सिस्टम्स में देर तक रहता है, ये हाई फाइबर रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, दूसरा परसेप्शन इन कुत्तों के बारे में ये है कि ये मैं आपको कमेंट्स नहीं बता सकती, लोग क्या क्या कमेंट्स देते हैं कि ये जंगली कुत्ते हैं, ये पागल कुत्ते हैं, ये बावले हैं। असल में ये होते ही ऐसे हैं, ये थोड़े से पागल होते हैं, लेकिन ये अपने ओनर्स के लिए और जिनसे ये मोहब्बत करते हैं उनके लिए इनके जज्बात ऐसे होते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, और यही चीज़ इनको सबसे डिफरेंट बनाती है। एक पिटबुल जो होता है इसको आप टोटली अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, आपको इसको एग्रेसिव बनाना है, आपको गार्ड डॉग बनाना है, ये आपके लिए गार्ड डॉग बन जाएगा, आपको इसको बच्चों के साथ रखना है, ये बच्चों के लिए नैनी डॉग बनेगा। इवन जो पांडा है, पांडा का नेचर इसके जो नाम जो पड़ा है वो इसके कलर के साथ साथ जो इसका नेचर है शुरू से उसके नेचर की वजह से लाजमी पड़ा है, क्योंकि ये इवन जो मुर्गी के बच्चे होते हैं छोटे उनको बिल्कुल उनके साथ खेल रहा होगा, बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रहा होगा, और जो ये पाब्लो है ये थोड़ा सा वो है डिफेंसिव है, मतलब कि गार्ड करता है, और खास तौर पे घर पे मैंने जो दोनों मेल का पेयर रखा है वो इसीलिए तो मुझे थोड़ी सी गार्डिंग की जरूरत पड़ती है घर के लिए। तो ये है कि जो पाब्लो का नेचर है ये थोड़ा सा मतलब पोजेसिव है ऑनर को लेके, मेरे घर वालों को लेके, खास तौर पे मेरी वालदा को, क्योंकि फूड वगैरह जो खाना वगैरह वो देती है उनको, और मेरे बड़े भाई हैं वो अब टर्की में, तो उनके साथ भी काफ़ी अटैच है, पांडा मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और इवन इस तरीके से चीज़ें समझते हैं, बात समझते हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता घर पे नुकसान कर दिया होता है तो इनको डांट पड़ती है, तो आगे फेसेस इसलिए एक बच्चा आपके साथ फेसेस बना के आपसे बात कर रहा होता है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन से आपसे बात करते हैं। अच्छा, एक हाइपर डॉग में और एक एग्रेसिव डॉग में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो अगर आप कभी पिटबुल ओनर्स बनना चाहें या आपके पास पिटबुल्स हैं तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि जहाँ ऐसा होता है कि एक कुत्ता हाइपर हुआ हुआ है, सही है, वो हाइपर के साथ वो एग्रेसिव होने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सही है, तो आपको हमेशा आपका जो डॉग है ये लार्ज ब्रीड है, इसका वेट ज़्यादा है, ये हमेशा आपकी कमांड पे सुनना चाहिए, इसको हाइपर हुए भी तो ये कंट्रोल में बाद में इसको आ जाना चाहिए, यानी आपकी कमांड पर रुक जाए।
अच्छा, दो डॉग्स जब भी पिटबुल्स होते हैं दोनों मेल्स हैं, और आई एम श्योर कादिर को बहुत प्रॉब्लम हुई होगी इन दोनों के टेम्परामेंट संभालने में, स्पेशली जब ये नए नए जवान हो रहे होंगे, उस वक्त का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी इन्होंने इंसानों पर अटैक नहीं किया, बिल्कुल जब मैं इनको नॉर्मल वॉक पे ले जाता हूँ, हाँ प्रोग्रेसिव हैं। दूसरे डॉग्स को खासतौर से जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको कुछ नहीं कहते ये स्ट्रे डॉग्स को, बट जो जब उनको लीश दी जाती है दूसरे तो उस पर थोड़े अग्रेसिव होते हैं, और काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए। खासतौर पे जो स्टार्ट करता है तो वो पाब्लो करता है, और ख़त्म करता है वो पांडा करता है, तो ये दोनों इस तरीके से लेके चलते हैं। लेकिन आज तक कभी कोई मेजर इन्होंने नुकसान किसी डॉग को या किसी इंसान को नहीं पहुँचाया। थोड़ा सा ये हाँ एग्रेसिव होता है, पोजेसिव, वो अग्रेसिवनेस क्या है कि वो पोजेसिवनेस है इनकी, ये पसंद नहीं करते कि अगर मैं किसी और डॉग से खेल के आऊँ तो ये खुशबू इनको आएगी। तो दो दो दिन तक ये पांडा जो होता है ये सेंसिटिव है काफ़ी, ये नाराज़ हो जाता है। और पाब्लो तो मेरा बस क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से मौलाई बंदा नहीं होता, वो बंदा है, ये इसको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो क्या हो, ये अपने चीज़ों में मस्त रहता है। जैसे वो अभी भी वीडियो में घास खा रहा है, क्योंकि उसको घास खानी है। और इन दोनों की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, मतलब एक चीज़ ये है कि डॉग्स की अब हर बेशक ब्रीड है पिटबुल है, लेकिन इनकी एक अपनी पर्सनैलिटी है पूरी, जो पांडा की पूरी अपनी पर्सनैलिटी है, वो जिसे कहते हैं कि वो ऑनर की, अभी बात हो रही थी हमारी वीडियो से पहले कि ऑनर की पर्सनैलिटी को पिक करता है, तो पांडा ने बिल्कुल मेरी पर्सनैलिटी दिखी हुई है, ज़्यादातर सोता रहता है, और इसने ये छोटे भाई पे गया मेरे, ये देखें अब ये चिड़िया के लिए। अच्छा, इनकी प्रेडेटरी जो ड्राइव होती है यानी शिकार करने की जो ड्राइव होती है बहुत हाई होती है, स्पेशली अगर इनमें, मैंने आपको बताया कि लाइनेजेस अगर डिफरेंट मिली हुई हो, गेम लाइंस अगर इनके अंदर है, गेम लाइंस कहते हैं शिकारी कुत्तों की जो लाइनेज होती है, अगर वो इनके अंदर है तो इनकी ये प्रेडेटरी ड्राइव बहुत हाई रहेगी। तो आपको दूसरे जानवरों से इनको सोशलाइज करवाना है बचपन से, सही है, इनको ये चीज समझानी पड़ती है कि नहीं, हर चीज पे अटैक करके हर चीज को मारना नहीं होता। और अगर आपको गेम लाइन का शौक है या अगर आपको शिकारी कुत्तों का शौक है, आपको उनको एज हंटर हंटिंग डॉग्स रखना है या ऐसे गार्ड डॉग्स रखना है, तो फिर आप इनको इस चीज पे इस ये वाला एस्पेक्ट इनका ज्यादा आप हाईलाइट करें कि किसी भी चीज को अपने एरिया में बर्दाश्त नहीं करना। बाय इंस्टिंक्ट जो है इनकी जो फितरत है उसमें ये चीज होती है, ये खेल रहे होंगे पूरा दिन, आप जिन लोगों को अपने साथ मिलाने इनको लेकर आएंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो होंगे वो इनको कुछ नहीं बोलेंगे, आपके रिश्तेदार दोस्त वगैरह के साथ ये बिल्कुल वैसे ही फ्रेंडली होंगे। लेकिन जैसे अब रात का टाइम है और आप सो रहे हैं तो उस वक्त इनकी ये गार्डिंग स्किल्स जो है ये आ जाती हैं सामने, और ये उस वक्त ऑन गार्ड होते हैं, तो उस वक्त ये बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर कोई बर्गलर या कोई चोर डाकू आपके घर में कूदेगा इनके गार्ड पे। अच्छा, इनकी फितरत ये है कि ये भौंक के अलर्ट नहीं करते जैसे शेफर्ड करता है, ये खामोश रहते हैं, ये घात लगाते हैं, अगर इनको लगेगा कि कोई सिक्योरिटी इशू है तो ये खामोशी से जाएंगे, ये अपना जो भी इनकी इनको आपने ट्रेन किया हुआ है काटना है बैठना है रोकना है जो भी करना है ये सब कुछ काम खामोशी से करते हैं, ये बार्क नहीं करते ज़्यादा। तो एक ये रीज़न भी है कि जिसकी वजह से इनको बहुत पसंद किया जाता है कि ये बार्क नहीं करते ज़्यादा। थोड़ा सा आपको एक आइडिया देते हैं कि ये डॉग्स जो है ये कितनी जल्दी जो है वो एग्रेसिव हो सकते हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डॉग्स की। मैं बार बार ट्रेनिंग पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि अगर ये ब्रीड आपके कंट्रोल में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आपको ये ब्रीड रखने का, ठीक है, ये आपके लिए एक डेंजरस ब्रीड है अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर कंट्रोल में है तो इससे ज्यादा अच्छी ब्रीड कोई नहीं है। मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रीड है ये पिटबुल, और हम लोगों ने अब स्टार्ट जो किया था अपना काम वो इसी ब्रीड से स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत इजी टू मेंटेन ब्रीड है ये, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ट्रेनिंग में। और इनके अंदर अल्फा का चक्कर होता है कि अगर मेल्स आपने रखे हैं फीमेल्स रखे हुए हैं, तो मेल्स और फीमेल्स दोनों एक ही तरह की टेम्परामेंट की होती हैं, यू हैव टू बी द अल्फा, यू हैव टू बी द पैक लीडर। अब थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं कौन जी। अच्छा, तो आपने देखा अभी हमारे पांडा और पाब्लू को, तो पांडा और पाब्लू जो हैं इनके अंदर गेम लाइन और शो लाइन ये दोनों मिक्स हैं, तब जाके ये ऐसे थोड़े खूंखार और थोड़े अपना सिक्योरिटी पर्पस पे बने। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि पिटबुल में दो तरीके की लाइनेजेस हैं, एक गेम लाइन है एक शो लाइन है। शो लाइन जो होते हैं वो थोड़े से अपना पंच हेड हैवी मजल और हैवी बोन स्ट्रक्चर वाले होते हैं, लेकिन वो इतना एग्रेसिव नहीं होते।
वो काटते ज्यादा नहीं है, काटने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता उनका, लेकिन जो गेम लाइन होते हैं ना बेसिकली, वो प्रॉपर बने ही गए हैं लड़वाने के लिए। अब जो मैं आपको एक और नया कुत्ता दिखाने जा रहा हूँ, वो बेटी है हमारे पांडा की और गेम लाइन से बिलोंग कर रही है ये फीमेल, ब्लू कलर में, बहुत रेयर कलर में, बहुत खूबसूरत मेरी फीमेल है। मैं आपको मिलवाता हूँ फ्लोरा से, फ्लोरा को लेके आओ जी। तो ये आ गई हमारी फ्लोरा, ये आप देख रहे होगे इसका फेस जो है थोड़ा सा बैरल में लंबा सा है और हेड थोड़ा छोटा है। इसकी एज हो गई है अभी 7 मंथ, 7 to 8 months की ये मेरी फीमेल है। ब्लू कलर है इसका और हेजल आइज है इसकी ना। जैसा मैंने आपको बताया ना, गेम लाइन है तो गेम लाइन को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बैठी हो जा सीधी, हिलना नहीं आता। इनकी एनर्जी बहुत होती है। अभी अभी केज से निकले तो ये चाह रही है कि बस मुझे खोला जाए और खेला जाए मुझसे ना। तो ये बेसिकली है हमारे पांडा की बेटी और इनके साथ जो फीमेल है वो गेम लाइन है, तो इनके अंदर थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है। और ये अभी फीमेल तैयार हो रही है हमारे लिए और इंशाल्लाह ताला जब ये 18 महीने की हो जाएगी तो इसको हम ब्रीड ज़रूर करवाएंगे और आपको इसका रिजल्ट भी दिखेगा कि कैसी खूबसूरत फीमेल आ रही है, हमारे बच्चे आए, क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छे देने देगी और ये नेचर वाइज बड़ी प्यारी है, ओबीडियंट बहुत है, बहुत जल्दी कहना सुनती है, हम लोग इसको ज़्यादा ट्रेन करते नहीं है। अच्छा, पिटबुल्स का थोड़ा सा चेंज होता है ट्रेनिंग पैटर्न। वैसे तो एडवाइजेबल यही है कि आप 2 महीने की एज से ही बेसिक ओबीडियंस ट्रेनिंग हर पपी को दें, लेकिन पिटबुल्स को थोड़ा सा जोर आजमाई करनी पड़ती है, इनको पनिश करना पड़ता है आपको अक्सर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट आप दे रहे हो, जैसे कि ट्रीट्स के जरिए, या आपको इनको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। अगर ये आप बहुत छोटी एज में करेंगे, जैसे 6-7 महीने की एज में, तो इनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ये शटर हो जाता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपको जो प्रॉपर जो एक ट्रेनिंग होती है, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, वो आपको फेचिंग वगैरह ये सब कुछ आप थोड़ा सा रुक जाएं, इनको पहले ग्रो होने दें, 6 महीने के बाद आप इनकी इनको ट्रेन करें। तो अब ये है कि इसकी ट्रेनिंग अब स्टार्ट होने वाली है कुछ अर्से में, तो वो भी फिर आपसे शेयर करेंगे कि ये शी विल बी अ टोटली चेंज डॉग। बट जो इसकी एक हाइपरनेस है, एक हर वक्त का एटीट्यूड है कि मुझे बस भागना है, मुझे कुछ पकड़ना है, मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, वो इसका ये इसकी ब्रीड में रहता है। बाकी अब उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी भी लगी होगी, और अच्छी लगे ना लगे आपको एटलीस्ट मेरी वीडियो से हेल्प मिलनी चाहिए, जो कि मिली हो उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं मिली हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अगली बार इससे बेहतर वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आपको पता चले कि किस तरीके से जानवर को रखना है सही है, ताकि गाइडलाइन मिल सके, हमारी कोशिश यही है। बाकी कब अपना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।